ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं, ये एक शिव भक्त हैं और साथ ही साथ ये एक गुरु भक्त हैं। गुरु भक्ति के एक परिकाष्ठा आप इन्हें समझ लीजिए। गुरु भक्ति के कारण ही इन्होंने मुक्ति प्राप्त की, मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव एक गुरु भक्त को बहुत सम्मान देते हैं। गुरु की निंदा करने वाले पर भगवान शिव सबसे पहले रुष्ट होते हैं और इसका एक उदाहरण आप देखते हैं। रुद्राष्टकम की रचना हुई थी काग भुसुंडी जी द्वारा, जो गुरु का अपमान हुआ था। फिर उन्होंने शिव के श्राप से ये अपने शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने रुद्राष्टकम की रचना की थी। ये कथा बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे। गुरु का सम्मान जो भी करता है भगवान शिव उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि गुरु चरणों में जो प्रीति रखता है, गुरु के चरणों में जो भक्ति भाव रखता है, वो शिव का प्रिय हो जाता है। और पंचाक्षर का उपदेश करने वाले गुरु के चरणों में जो प्रीति रखता है, उसका उद्धार स्वयं भगवान शिव कर देते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने भी कहा है, नास्ति तत्त्वम गुरु परम, गुरु से ऊपर कोई भी तत्व नहीं होता है। भगवान शिव स्वयं इसकी महत्ता प्रकट करते हैं और कितने ही रूपों में भगवान गुरु का रूप करके इस संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि माँ भगवती, माता पार्वती के लिए भी भगवान शिव गुरु बनते हैं और फिर उन्हें सब प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसी ही कथा है इन शिव भक्त और गुरु भक्त, इन कुरुम्ब भक्त की, जिन्हें तमिल में पेरुमिलले कुरुम्बर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म तेजनी नगर में हुआ, जो अभी तमिलनाडु के पेरुमिलले नाम से विख्यात है। ये एक चरवाहे का कार्य करते थे और ऊन निकाल करके उनसे साल वगैरह बनाते थे और उन्हें फिर अच्छी तरह से पैक करके भोजन भी प्रदान करते और ये ऊन से बने हुए वस्त्र भी शिव भक्तों को दान करते थे। हमेशा शिव भक्तों के लिए उनकी सेवा में लगे रहते थे। शिव भक्तों को ऊनी कंबल, ऊनी साल वगैरह दान करना, भोजन प्रदान करना, ये गुणों की खान बन गए थे, गुणों का समूह बन गए थे। इसलिए इनका नाम कुरुम्बर या कुरुम्ब रख दिया गया। कुरुम्ब का अर्थ होता है समूह, ये गुणों का भरपूर समूह थे ये शिव भक्त, इसलिए ऐसा इनका नाम रख दिया गया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। फिर उन्होंने गुरु की खोज शुरू कर दी। इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों का भी जायजा लिया, लेकिन किस कहीं कोई बात नहीं बनी। ये गुरु की तलाश में भटकते रहे। फिर इधर सुंदर मूर्ति, हमारे सुंदर की एंट्री हो गई है। सुंदर मूर्ति जो शिव भक्तों के लिए स्तुतियां गा रहे थे भगवान शिव के आदेश के अनुसार, इन्होंने एक सोंग, एक स्तुति के अंदर इन कुरुम्ब भक्त का नाम ले दिया। और जब ये बात कुरुम्ब तक पहुंची कि सुंदर ने अपनी स्तुति में, जो शिव के बिल्कुल सानिध्य में रहते हैं वो सुंदर, उन्होंने अपनी एक स्तुति के अंदर कुरुम्ब का नाम लिया है, तो ये बहुत आश्चर्यचकित हुए। और इन्होंने फिर नमः शिवाय छोड़ करके सुंदर का जो नाम था नंबी आरूरर, नंबी आरूरर का नाम जपना शुरू कर दिया और उन्हें अपना मानसिक गुरु मान लिया। दोनों एक दूसरे से मिले नहीं कभी भी, किंतु इधर बिना मिले ही सुंदर ने इन इन शिव भक्त कुरुम्ब की इतनी प्रशंसा अपने स्तुति के अंदर कर दी और इनकी शिव भक्ति से वो भलीभांति परिचित थे। और इधर जब कुरुम्ब ने ये बात जानी तो वो इन सुंदर को अपना गुरु मानने लग गए थे। दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, किंतु कनेक्शन ऐसा हो गया था इनका गुरु शिष्य का कि ये एक दूसरे से परिचित हो गए थे। अभी हमेशा नंबी आरूर का नाम जपते रहते थे, सुंदर का नाम जपते रहते थे। इन्होंने केवल इन सुंदर के नाम से ही, सुंदर का नाम जपने मात्र से ही अष्ट सिद्धियां, अणिमा वगैरह सब प्राप्त कर ली, किंतु ये इन्हें तुच्छ समझते थे। इन कुरुम्ब शिव भक्त के लिए इनका कोई भी महत्व नहीं था। फिर इन्होंने योग सिद्धि द्वारा पता लगाया कि कल मेरे गुरु सुंदर मूर्ति नंबी आरूर अपनी देह का त्याग करने वाले हैं और सफेद हाथी पर बैठ करके कैलाश को प्रस्थान करने वाले हैं, शरीर को त्यागने वाले। ये बात जान करके कुरुम्बर या कुरुम्ब बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि गुरु के बिना मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा, पुतली के बिना आंख का क्या काम है।
उसी प्रकार से मेरा भी गुरु के बिना यहाँ पर क्या काम है। फिर उन्होंने जाना कि सुंदर ने देह त्याग दिया है, उसी समय ये ध्यान अवस्था में बैठे और समाधिस्थ होकर के इन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र कपाल से भेद करके प्राण बाहर निकाल लिए। और सुंदर जब तक कैलाश पहुंचते उससे एक दिन पहले ही कुरुम्बर कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश के उस मुख्य द्वार पर खड़े हो गए और अपने गुरु का वहां पर स्वागत किया। देखिए गुरु शिष्य कहाँ मिले, उद्धार के बाद, मोक्ष के बाद, वहां कैलाश के मुख्य द्वार पर वो मिले। ये इनकी पहली मीटिंग थी जीवन काल के बाद की, जीवन काल में तो हुई नहीं, ऐसी गुरु भक्ति थी इन कुरुम्बर की, इन शिव भक्त की। ऐसा ऐसी गुरु भक्ति उद्धार का कारण बनती है। इसलिए आपके जो भी गुरु हैं, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, चाहे गुरु कैसे भी हों, गुरु गुरु होते हैं। और गुरु की यदि कोई निंदा करता है तो सबसे पहले जो कोई भी देवरुष्ट होता है वो है भगवान शिव। इसलिए गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु परम तत्व होते हैं और आपके उद्धार का कारण बनते हैं। आपका कृत्य आपको करना है, आपके कर्म आपको करने हैं, किंतु गुरु की निंदा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करिए। और यदि आप गुरु का सम्मान करते हैं तो आप साक्षात शिव का सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु रूप से ही भगवान शिव हर जगह व्याप्त। पहले के समय में गुरु परीक्षा करते थे शिष्यों की, किंतु अब शिष्य परीक्षा करते हैं गुरुओं की। सब कुछ उन्हें तुरंत चाहिए, हथेली पर चाहिए, ऐसा मनोभाव लोगों का हो गया है। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करिए, चाहे वो कैसे भी हों, आप हमेशा उनकी शरण में रहिए, वही आपका उद्धार करेंगे, शिव आपका उद्धार करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।